नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर बुरहानपुर से है, जहां कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत है सुमित्रा महाजन ने किया, और इस बीच उन्होंने सुमित्रा महाजन को लेकर विवादित बयान दिया। क्या कुछ कहा सुनिए। तो पूरे बीजेपी में एक ही मर्द है, बाकी कोई नहीं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी नेताओं को सुमित्रा का झूठा पानी पीना चाहिए। और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बुरहानपुर से के मिश्रा का विवादित बयान और भारत जोड़ो यात्रा का सुमित्रा महाजन ने स्वागत किया, और पूरे बीजेपी में एक ही मर्द है, बाकी कोई नहीं है। तो बीजेपी नेताओं को सुमित्रा का झूठा पानी पीना चाहिए, ताकि उन्हें भी अक्ल आ जाए। कांग्रेस नेता के मिश्रा का यह बयान। तो के मिश्रा का विवादित बयान, भारत जोड़ो यात्रा का सुमित्रा महाजन ने स्वागत किया है, और पूरे बीजेपी में एक ही मर्द है, बाकी कोई नहीं। तो बीजेपी नेता को सुमित्रा का झूठा पानी पीना चाहिए, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, ताकि उन्हें भी अक्ल आ जाए। कांग्रेस नेता के मिश्रा का ये बयान, बड़ी जानकारी। पूरी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय सुमित्रा महाजन जी महिलाओं के मर्द निकली हैं, बाकी के तो भाजपा में मेरी निगाह में कोई मर्द बचा ही नहीं। उन्होंने जिस ढंग से राहुल गांधी जी की यात्रा के उद्देश्य की सराहना की है, मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि सुमित्रा महाजन जी जिस ग्लास में पानी पीती हूं, उनका झूठा भारतीय जनता पार्टी के अन्य लोग भी एक एक घूंट पानी पिएंगे, अच्छा होगा, उनमें भी अकल आएगी।